दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया रायते की रेसिपी। व्रत का रायता, मखाने का रायता। तो प्लीज वीडियो देखिएगा और मिनटों में इस रायते को बना के तैयार करिएगा। बहुत टेस्टी बनता है ये मखाने का रायता। कैसे बनेगा चलिए देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज जरूर से बनाइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हम कैसे बनाएंगे। रायता बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम मखाने को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मैंने एक बोल में ले लिए हैं मखाने, और जो इसके काला काला सा लगा रहता है कई बार मखानों में, उसको मैंने निकाल दिया है। और अब बिना घी बिना तेल कोई चिकनाई हमें नहीं डालनी है। हम मखानों को थोड़ा सा भून लेते हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि मखाने हमारे भून गए। और इस तरह से मखाने को तोड़ के देख लीजिए। ये देखिए, बस इतना हमें मखाने को भूनना है। अब गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और चलिए रायता बनाते हैं। और अब लिया है मैंने दही। तो आप देख सकते हैं कि दही 1 कप से थोड़ा कम है, तो इसमें मैं डाल दूंगी दूध। और ये दूध बिल्कुल ठंडा है, तो आप देख सकते हैं 1/4 कप मैंने इसमें दूध डाल दिया है। और अब इसमें हम एक बोल में डाल देंगे ये दूध और दही को, और अच्छे से हम इस दूध और दही को मिक्स करेंगे। पानी हमें इस रायते में बिल्कुल नहीं डालना है। दूध और दही आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब जाएंगे मखाने जो हमने ये भून कर रखे हुए। दोस्तों, बहुत अच्छा बहुत टेस्टी रायता बनता है मखाने का। इस नवरात्रि जरूर से इसको बनाइएगा। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनता है। खीरे का रायता हम लोग बहुत बार व्रत में बनाते हैं, फ्रूट्स का भी बनाते हैं, लेकिन इस बार मखाने का रायता अपने व्रत की थाली में शामिल करिएगा। तो ये देखिए, मखाने अच्छे से मिक्स हो गए। और अब डालूंगी मैं इसमें थोड़े से मसाले। मसाले में जाएगा भुना जीरा पाउडर, नमक सेंधा वाला स्वाद के हिसाब से, जो व्रत में हम लोग नमक खाते हैं, काली मिर्च पाउडर और हरी मिर्च। हरी मिर्च के बीज मैंने निकाल दिए, क्योंकि बीज अगर डाल देते हैं ना हरी मिर्च के साथ तो बहुत चरपरा नाक रायता बन जाता है, हमें वैसा नहीं चाहिए। और ये लीजिए, हमारा रायता बनके 5 मिनट भी नहीं लगा, 2 से 3 मिनट में ये रायता बनके रेडी हो गया है। बनकर तैयार है हमारा व्रत में खाने वाला फलाहारी मखाने का रायता है। प्लीज रायते को जरूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जरूर से बनाएंगे और कमेंट भी करेंगे, मैं मिलूंगी व्रत की एक और बहुत ही टेस्टी मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैप्पी नवरात्रि।